80,000 में हम गाड़ी छोड़ देंगे। सो बाकी नेगोशिएशन रहेगा इसमें ना, 4,40,000 डिमांड है आपकी, बाकी नेगोशिएशन ASR बाइक के हिसाब के माध्यम से अगर कोई यहाँ भी आता है उसको प्लस गाड़ी तो हम देंगे ही देंगे और प्लस कार कोटिंग फ्री देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और स्वागत है आप सभी का ASR जम्मू ब्लॉग्स के एक और नए एपिसोड में। सो दोस्तों, आज ASR जम्मू ब्लॉग्स की टीम आज आपको लेके आई है हाई कोर्ट कार्स में, जो कि यूज्ड कार बाजार है और यहां पे आपको प्री ओन्ड और यूज्ड कार देखने को मिलेगी, जो कि हाल फिलहाल में ही जम्मू में ओपन हुआ है। और इस कार बाज़ार में आपको कुछ चीज़ें काफ़ी बेहतरीन यहाँ देखने को मिलेंगी। एक तो स्मॉल सेगमेंट की यहाँ गाड़ियाँ जो होंगी वो तो देखने को मिलेंगी मिलेंगे, इसके अलावा आपको प्रीमियम सेडान्स जैसे जैगुआर की गाड़ियाँ और हाई एंड जो टॉप SUVs रहती हैं प्राडा वगैरह, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आप UP हरियाणा या किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और जम्मू में आप वर्किंग कर रहे हो तो आपको अपनी स्टेट की कोई भी गाड़ी चाहिए तो वो भी आपको जम्मू में अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ हाई कोर्ट कार्स के ऑनर मिस्टर शबीर जी के साथ मिलाता हूँ और मिस्टर दीपक जी के साथ। सर क्या हाल है? शबीर जी क्या हाल है? और सर आज आप ये बता दीजिए कि एक तो फर्स्ट वीडियो आपकी यहाँ की शूट होने वाली है ऐसा जम्मू ब्लॉग्स में, काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉक है आपके पास रहने वाला है, मैंने देखा प्रीमियम सेडान्स रहने वाली है, हैचबैक्स में रहने वाली है, और कितने दिन पहले आपने ये जो शोरूम है अपना ओपन करा सर? अखिलेश जी ऐसा है कि हमने ये 15 दिन पहले स्टार्ट किया अपना कारोबार जम्मू में। ओके ठीक है, बढ़िया रिस्पांस आ रहा है, बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे। ओके, काफ़ी कस्टमर इसका व्यू ले रहे आ रहे हैं, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट है यहाँ पे। और इसके अलावा सर सबसे पहले आप लोकेशन शेयर कर दीजिए, लोकेशन क्या रहेगी? ये नियर रिट्स होटल छन्नी बाईपास। ओके, हाईवे रोड है ये? हाईवे रोड रहेगा ये, नरवाल बाईपास या छन्नी बाईपास आप इसे बोल सकते हो, नियर रिट्स होटल जो है वो इसका लैंडमार्क रहेगा। और अब वीडियो की जो शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ, सर अपने पास क्या क्या स्टॉक जो है वो आज देखने को मिलेगा? सर हमारे पास छोटा सेगमेंट भी है, हाई प्रीमियम सेगमेंट भी है, वो मैं सभी ऑल सेगमेंट है मैक्सिमम हमारे पास। और मतलब अलग अलग स्टेट्स की भी गाड़ियाँ आप अवेलेबल करवा दोगे? अगर बिल्कुल, अगर आप कोई भी कस्टमर है जैसे आर्मी पर्सन हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉइज हैं, रेलवे के हो गए, कहीं भी हो गए, ये पर्सन क्या होता है कि बाहर के स्टेट के होते हैं, बिल्कुल, तो उनको यहाँ पे गाड़ियाँ चाहिए होती है और अपनी स्टेट की, अपनी स्टेट्स की, तो हम क्या करते हैं उनको गाड़ियाँ सारी कोई भी स्टेट की गाड़ी हो, बंदा जैसे हरियाणा यूपी कहीं का भी हो, हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं सेम नंबर सेम। सो दोस्तों ये एक आपको फैसिलिटी यहाँ पे जम्मू में अब देखने को मिलेगी, तो चलिए आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो की जो पहली गाड़ी रहने वाली है वो है टाटा की इंडिका, और इसकी जो जानकारी है वो भैया से कलेक्ट करते हैं। भैया क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी? भैया 2010 मॉडल गाड़ी है टाटा इंडिका। ठीक है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, वेल मेंटेन, ऑटोसेट इंजन वाली गाड़ी है, और मतलब डीजल इंजन, डीजल वर्जन गाड़ी है। ठीक है, एकदम बढ़िया कार। ठीक है, और बात करें अगर ड्रिवन की, कितनी गाड़ी है ड्रिवन है? भैया ये गाड़ी ड्रीवन है अपना 83,000 किलोमीटर, 83,000 जेन्युइन चली है, बिल्कुल जेन्युइन ऑन रिकॉर्ड। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की, तो कितने भैया आपकी डिमांड कितनी है भैया ये बता दीजिए? भैया डिमांड हमारी एक्चुअल में इसकी 90,000 की। ठीक है, कस्टमर आस्किंग प्राइस है। ओके, 80,000 में हम गाड़ी छोड़ देंगे। सो बाकी नेगोशिएशन रहेगा इसमें ना, और वेरी चीप रेट पे गाड़ी। ये आप गाड़ी का कुछ रियर व्यू देख सकते हो, इंडिका विस्टा इसका जो है नाम रहने वाला है। और अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, इंटीरियर जो होगा वो गाड़ी का कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। टाटा की गाड़ियों की जो सीट्स की कुशनिंग होती है वो काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी, और ये इंडिका में भी आपको देखने को मिलेगी। और ये कुछ आप इंटीरियर का लेआउट देख सकते हो, फ्रंट का डैशबोर्ड जो होगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बात करें अगर स्पीडोमीटर की, टैकोमीटर की, तो वो आपको कुछ RPM मीटर जो होंगे वो इस तरह से देखने को मिलते थे आपको इंडिका विस्टा में। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर सीट्स की, और रियर सीट जो होंगी वो आपको गाड़ी की कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। पीछे बेंच टाइप जो होंगी सीट्स देखने को मिलेंगी, और फुल ऑफ कुशनिंग ये रहेंगी सीट्स, और काफ़ी बढ़िया ये डील रहने वाली है। दोस्तों इस वीडियो की जो दूसरी गाड़ी रहने वाली है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जो कि फेसलिफ्ट के साथ आई है, और इसकी जो जानकारी है भैया से लेते हैं। भैया क्या इन्फॉर्मेशन है स्विफ्ट की? ये गाड़ी 2018 मॉडल गाड़ी है। ओके, बहुत बढ़िया VX i पेट्रोल ऑप्शनल है। ओके, और हालांकि जैसे कि मैं इसमें देख रहा हूँ कुछ एज एन एक्सेसरी इसमें अलॉय व्हील्स भी डाले गए हैं ना? अलॉय व्हील्स हैं, बढ़िया टायर मिचलिन के टायर हैं गाड़ी पे। ओके, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और बात करें अगर रनिंग की तो कितनी चली है? रनिंग गाड़ी चली हुई है 39,000 किलोमीटर, 39,000 चली हुई है। और अगर ये इसका क्या डिमांड कितना भैया आपका?
सर इसका डिमांड है 6,10,000 रुपये। 6,10,000 बाकी इसमें नेगोशिएशन रहेगा? नेगोशिएशन रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अच्छा, तो ये देख सकते हो आप, प्राइस होगा नेगोशिएशन साइड पे रहेगा। सबसे पहले मैं आपको अलॉय व्हील्स दिखा देता हूँ, जो प्लाटी के यहाँ पे अलॉय व्हील्स आफ्टर एज एन एक्सेसरी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। सो इंटीरियर जो होगा वो गाड़ी का आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और ये कुछ गाड़ी का आप इंटीरियर जो होगा वो डोर पैनल सबसे पहले आप देख सकते हो, फुली ब्लैक में जो ब्लैक पैनल जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ रहेंगे। और स्टेयरिंग जो होगा फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग यहाँ पे रहने वाला है। और इंटीरियर में अगर ये डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, 2 DIN का म्यूज़िक सिस्टम यहाँ रहेगा। काफ़ी बढ़िया और नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये गाड़ी जो होगी वो आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं गाड़ी के सीट्स की। सो यहाँ पे बकेट फिटिंग में आपको जो होंगे सीट कवर देखने को मिलेंगे। काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम टच आ रहा है इन सीट्स को लेकर इस गाड़ी के इंटीरियर में। और अब बात करते हैं गाड़ी के रियर की। और रियर में जो गाड़ी कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। सबसे पहले विंडो पैनल की बात कर लेते हैं। विंडो का पैनल जो होगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और रियर की सीट्स जो होंगी वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन सीट कवर्स के साथ जो होगी बकेट फिट के स्टिचिंग के साथ देखने को मिलेगी। सो ये थी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट VXi। जो दोस्तों इस वीडियो की जो तीसरी गाड़ी रहने वाली है वो है मारुति सुजुकी की रीड्स। और भैया क्या इन्फॉर्मेशन है इस रीड्स की? भैया ये गाड़ी 2013 मॉडल गाड़ी है, डीजल वर्जन में VDI गाड़ी है। बहुत बढ़िया गाड़ी है, गाड़ी रनिंग है इसकी, गाड़ी की 78,000 किलोमीटर 78,000 चली हुई है ये गाड़ी। आस्किंग गाड़ी की है 2,90,000 की। ठीक है, बाकी इस पे नेगोशिएशन रहेगी। सो दोस्तों यहाँ पे आपको इस रीड्स पे नेगोशिएशन जो होगी वो देखने को मिल जाएगी। ये आप कुछ इसका रियर का लुक देख सकते हो, वर्टिकल जो रियर टेल लैंप्स जो आते थे वो रीड्स की पहचान थी, ये आप देख सकते हो। और अब बात करते हैं रीड्स के एक और जो एज एन एक्सेसरी यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो है अलॉय व्हील्स। तो ये आप अलॉय व्हील्स देख सकते हो इस रीड्स में जो है लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। सो इंटीरियर में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको विंडो का पैनल जो है वो दिखा देता हूँ। विंडो का पैनल जो होगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स जो रहेंगे और डैशबोर्ड की लुक जो होगी वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। और बात करें अगर सीट्स की, तो सीट्स जो होंगी वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी इस रीड्स की। और ये डीजल वेरिएंट जो है रीड्स का रहने वाला है। 290 का इसका जो है आस्किंग प्राइस है, बाकी इसमें आपको नेगोशिएशन देखने को मिल जाएगी। वीडियो की जो चौथी गाड़ी रहने वाली है वो है टाटा की टियागो। और भैया क्या इन्फॉर्मेशन है इस टियागो की? भैया 2019 मॉडल टाटा टियागो है ये। ओके, गाड़ी चली हुई है 38,000 किलोमीटर। ये डीजल में है? डीजल गाड़ी में भैया। ओके, डीजल की गाड़ी है। और एवरेज के मामले में तो काफी एवरेज है भैया, सबसे टॉप क्लास की एवरेज गाड़ी की 25 प्लस इसकी एवरेज है। सो ये एक टाटा की तरफ से ऐसा प्रोडक्ट रहा है कि जिसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और अगर बात करें भैया इसके आस्किंग प्राइस की, तो कितना इसका आस्किंग प्राइस है? भैया इसका आस्किंग प्राइस है 5,20,000 रुपये। 5,20,000। और रनिंग कितनी है थी? रनिंग इसकी 38,000 इसकी रनिंग है। और आप बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। सो इंटीरियर में जो गाड़ी का डैशबोर्ड होगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर और RPM मीटर जो होगा वो देखने को मिलेगा। और आप बात करते हैं गाड़ी के विंडो पैनल की, तो विंडो का पैनल जो होगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये टाटा टियागो का XT वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। और सीट कवर बात करें सीट कवर्स की, तो सीट कवर काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, कुशनिंग वाले सीट कवर्स लग रहे हैं। हालांकि टाटा अपनी सीट्स की कुशनिंग के लिए जानी भी जाती है। और अब बात कर लेते हैं टाटा टियागो के रियर सीट्स की। तो रियर की सीट्स में जाने से पहले रियर के विंडो का पैनल आप देख लीजिए। नीचे आपको स्पीकर मिलेगा और ऊपर आपको ट्विटर की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर सीट की बात करें, तो नीट एंड क्लीन कंडीशन में यहाँ पे आपको टाटा टियागो की रियर सीट्स जो होंगी वो भी देखने को मिलेंगी। और सीट्स भी काफ़ी उम्दा कंडीशन में यहाँ देखने को मिलेंगी। क्योंकि जो पाँचवीं गाड़ी रहने वाली है वो मेरी फेवरेट Hyundai की i20 रहने वाली है। और इस i20 की जानकारी भैया से लेते हैं। भैया क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी? भैया 2014 मॉडल है i20 मैग्ना। पेट्रोल डीजल? पेट्रोल मॉडल है। बहुत बढ़िया कार, वेल मेंटेन कार है ये। ठीक है। और गाड़ी की और ड्राइविंग रनिंग हुई है गाड़ी की 62,000 किलोमीटर 62,000 इसकी जो है रनिंग है। बाकी बात करें अगर इसके प्राइस की, तो कितनी डिमांड है भैया आपकी? सर इस गाड़ी का प्राइस जो है 4,40,000 की है। 4,40,000 डिमांड है आपकी। बाकी नेगोशिएशन इस गाड़ी में आपको जो होगा वो देखने को मिल जाएगा। बात कर रहे हैं रियर की, तो रियर से गाड़ी जो होगी वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। i20 की बैजिंग, मैग्ना की बैजिंग और VT वेल्व टाइमिंग यहाँ देखने को मिलेगी। इट इंडिकेट्स कि ये पेट्रोल गाड़ी रहने वाली है। और अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की।
सो इंटीरियर से पहले मैं गाड़ी के टायर जो हैं वो दिखा देता हूँ आपको। लगभग आपको 80% टायर्स रिमेनिंग जो होंगे वो यहाँ देखने को मिलेंगे। और आप बात करते हैं गाड़ी के रियर सीट्स की, तो सबसे पहले रियर सीट्स आप देख लीजिए। विंडो का पैनल जो होगा वो आपको ड्यूल टोन कलर में देखने को मिलेगा। और बात करें अगर सीट्स की, तो ये आपको सीट्स की कंडीशन जो है वो देख सकते हो। रियर में एसी वेंट जो होगा वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट की, और फ्रंट में आपको जो सबसे पहले गाड़ी का डोर पैनल होगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल रहेंगे, और ORBM आप एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप डैशबोर्ड का लुक जो है वो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो Hyundai i20 का। तो दोस्तों, इस वीडियो की छठी गाड़ी रहने वाली है वो है मारुति सुजुकी की तरफ से अगेन रीड्स, और इसकी जानकारी भैया से लेते हैं। भैया कौन सा मॉडल है ये? भैया 2016 मॉडल ZXi टॉप मॉडल, टॉप पेट्रोल पेट्रोल में है ना? हाँ, पेट्रोल वर्जन में गाड़ी है। गाड़ी चली हुई है 52,000 किलोमीटर ठीक है। और इसकी अगर बात करें अगर इसकी आस्किंग प्राइस की, तो कितना इसका आस्किंग प्राइस है? इसका 4,10,000 रुपये। 4,10,000 इसका आस्किंग प्राइस है। बाकी गाड़ी जो है वो आपको नीट एंड क्लीन कंडीशन में देखने को मिलेगी, और मैरून कलर जो है वो रिड्स का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बात करें अगर रेयर की, सो रेयर में आपको ZXi वेरियंट में आपको रेयर में वाशर वाइपर की फैसिलिटी देखने को मिलती थी, और कुछ इस तरह से इसका जो है वो रेयर आपको देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ZXi वेरिएंट में आपको उस टाइम पे अलॉय व्हील्स जो होंगे वो भी देखने को मिलते थे रिड्स में। सो अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की रिड्स के इंटीरियर की। और इंटीरियर में जाने से पहले सबसे पहले हम ड्राइवर साइड डोर विंडो का जो पैनल है वो देख लेते हैं। डोर पैनल जो होगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ रहेंगे, और डोर का जो पैनल होगा ड्यूल कलर्स में रहेगा। एक मैरून कलर की टचिंग दी गई है, बाकी ब्लैक कलर में आपको पैनल देखने को मिलेगा। और आप बात करते हैं सीट्स की, तो सीट्स जो होंगी वो आपको 6-way मैनुअल एडजस्टेबल मिलेगी। रिक्लाइन और डिक्लाइन की भी फैसिलिटी यहाँ देखने को मिलेगी। जो मेन हाइलाइटेड फीचर है इस रिड्स का जो मुझे काफ़ी पसंद आया वो है इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड जो है वो आपको कुछ ड्यूल कम्बिनेशंस में देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो ब्लैक और मैरून कलर में, ये मुझे काफ़ी बढ़िया एक चीज़ लगी है रिड्स में। और साथ में इसका जो RPM मीटर है ये तो कुछ अलग ही रेसिंग कार वाली फैसिलिटी जो होगी वो आपको देने वाला है, और इस तरह से इसका कुछ डैशबोर्ड का जो लुक है वो रहने वाला है। और अब बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी रिड्स के रियर की, और रियर से गाड़ी जो होगी वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। रियर की सीट्स आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में देखने को मिलेगी। ऑल फोर एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको हर एक सीट में देखने को मिल जाएंगे। सो ये कंडीशन थी मारुति सुजुकी की रिड्स की। इस वीडियो की सातवीं गाड़ी जो रहने वाली है वो टाटा की फॉर्चूनर है। इसकी जानकारी भैया से लेते हैं। भैया क्या इन्फॉर्मेशन है? भैया 2012 मॉडल कार है ये। ओके, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है ये। बिल्कुल हरियाणा रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा गुड़गांव की रजिस्ट्रेशन है इस गाड़ी की। ठीक है, ये गाड़ी आपको चली हुई गाड़ी है 82,000 किलोमीटर। 82,000 रहनी है। बाकी डिमांड की बात करें, कितनी डिमांड इसकी है? 12 लाख रुपए। 12 लाख इसकी डिमांड है। हाँ, सो ये आप देख सकते हो टाइटो की फॉर्चूनर जो कि हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर्स के साथ आपको देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं अगली गाड़ी की, जो कि है फोर्ड की एंडेवर, और इस एंडेवर की जानकारी भी भैया से लेते हैं। हालांकि ये जम्मू रजिस्ट्रेशन नंबर है। भैया क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी? भैया 2011 मॉडल कार है ये। ठीक है, फोर्ड एंडेवर। फोर्ड एंडेवर गाड़ी चली हुई है ये 97,000 किलोमीटर। ओके, ठीक है। एक गाड़ी की आस्किंग है 6 लाख रुपए की। ओके, 6 लाख यहाँ पे आपको जो होगा आस्किंग प्राइस देखने को मिलेगा। बाकी नेगोशिएशन रहेगी भैया, अगर कोई ASR जम्मू ब्लॉक के रेफरेंस से आएगा तो उसको कुछ स्पेशल, उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा आपके माध्यम से। जो भी आता है उसके लिए हम स्पेशल डिस्काउंट रखेंगे, और स्पेशल आगे नेक्स्ट और भी कुछ एक्स्ट्रा देंगे उसको। सो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, अगर आप ASR जम्मू ब्लॉक के रेफरेंस से यहाँ आते हो तो आपको डेफिनेटली एक बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं अगेन अगली गाड़ी की, जो है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, और इसकी जानकारी भैया से लेते हैं। भैया क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी? भैया 2017 मॉडल कार है ये। ओके, टोयोटा क्रिस्टा G4 मॉडल है। गाड़ी चली हुई है 85,000 किलोमीटर। 85,000 चली हुई है ये, और ये दिल्ली रजिस्ट्रेशन है ना? दिल्ली रजिस्ट्रेशन गाड़ी है। ओके, ये आपको कोई भी कस्टमर जैसे गाड़ी चाहता है कि हमें दिल्ली की ट्रांसफर चाहिए, हम दिल्ली की ट्रांसफर कर देंगे, हरियाणा की ट्रांसफर चाहिए, हरियाणा की ट्रांसफर कर देंगे, जम्मू का नंबर चाहिए, हम जम्मू का नंबर भी ट्रांसफर करेंगे। अगर पूरी फैसिलिटी हम कस्टमर को देंगे। अगर सपोज कोई जम्मू का कस्टमर इस गाड़ी को लेना चाहे तो उसके नाम पे हो जाएगी? हाँ, जम्मू का कस्टमर अगर कोई इस गाड़ी को लेना चाहता है, हम उसको जम्मू दिल्ली में ही ये गाड़ी ट्रांसफर करवा देंगे उसी के नाम पे। अच्छा अच्छा, वो भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करोगे? बिल्कुल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। किसी को फाइनेंस की फैसिलिटी चाहिए, हम फाइनेंस की फैसिलिटी भी देंगे। ओके,
सो ये भी चीज़ आप देख सकते हो, अगर आप जैसे दिल्ली की गाड़ियाँ लेते हैं तो उसको भी अगर आपने नाम करवाना तो वो भी भैया आपकी इजीली से फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, उसमें भी भैया आपकी हेल्प करेंगे। सो बढ़ते हैं अगली गाड़ी की ओर। अगली गाड़ी जो होगी वो आपको देखने को मिलेगी निसान की टेरानो, और इस टेरानो की जानकारी भैया से लेते हैं। भैया क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी? भैया 2014 मॉडल कार है ये, 57,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, बिल्कुल वेल मेंटेन कार है ये भी, बिल्कुल जस्ट लाइक ब्रांड न्यू कार, बिल्कुल बिल्कुल वो देखने पे लग रहा है इसका। और बात करें अलॉय व्हील की तो काफी बढ़िया डिजाइन है, मशीन कट और ड्यूल डायमंड कट है ना, न्यू टायर है गाड़ी पे, फर्स्ट क्लास। गाड़ी की आस्किंग जो है 4,15,000 रुपए की है। 4,15,000, बिल्कुल। कौन सा मॉडल है ये? 2014। सो दोस्तों काफी बढ़िया डील जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और यूपी की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रहने वाली है। और बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, वो मिलने वाली है फोर्ड की फिस्टा आपको। तो भैया फिस्टा की क्या इन्फॉर्मेशन है? भैया 2012 मॉडल है फोर्ड फिस्टा डीजल कार, और गाड़ी चली हुई है 85,000 किलोमीटर, ठीक है। कार की डिमांड जो है वो है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख इसकी जो आस्किंग प्राइस है, बाकी नेगोशिएशन इसमें रहेगी। सो दोस्तों ये आप देख सकते हो फोर्ड की फिस्टा, जो कि नेगोशिएशन साइड पे 1.5 लाख इसका प्राइस है, नेगोशिएशन साइड पे वो रहने वाला है। अगली गाड़ी जो है वो महिंद्रा की बोलेरो रहने वाली है। बोलेरो की क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी भैया? भैया 2010 मॉडल कार है ये, ओके, जम्मू नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी है ये, ठीक है। और गाड़ी चली हुई है 56,000 किलोमीटर ओनली, बाकी आस्किंग प्राइस कितना? आस्किंग प्राइस इसकी है 3,30,000 रुपये। 3,30,000 इसकी आस्किंग प्राइस जो होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी गाड़ियों को रिलेटेड, तो नीचे स्क्रीन पे मिस्टर दीपक जी का जो नंबर होगा वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो। अगर इसके अलावा कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गाड़ियों से रिलेटेड, तो ऊपर ASR जम्मू ब्लॉग्स की टीम का नंबर भी आपको मेंशन हो रहा होगा, आप डायरेक्टली हमें भी कॉल कर सकते हो, डेफिनेटली वी विल असिस्ट यू। और बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, वो रहने वाली है टोयोटा की अनोवा, जो कि इनोवा जो कि ओल्ड शेप में रहने वाली है। और भैया क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी? भैया 2006 मॉडल कार है ये, ओके, और फुल टॉप वर्जन V मॉडल है ये, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो आता है, बिल्कुल बिल्कुल वही कार है ये, ठीक है। गाड़ी है अपना, इसकी आस्किंग जो है 3,20,000 रुपए की है। 3,20,000 की आस्किंग है, मतलब 3,20,000 में तो अल्टो मिलती है, हम तो इनोवा मिल जाएगी आपको। हाई कोर्स जो है वो जम्मू के लिए सबसे बेस्ट हम लेके आए हैं, कि ताकि लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट्स, मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलेगी, अगर कोई दिल्ली का नंबर भी लेना चाहता है, आउटर पंजाब का भी, बिल्कुल बिल्कुल सारी फैसिलिटी इनको दी जाएगी, और बिल्कुल कोई भी गाड़ी हम सेल करेंगे कस्टमर को ट्रांसफर करके दे, बाकी नॉन एक्सीडेंटल की गारंटी रहती है, नॉन एक्सीडेंट की गारंटी रहेगी, मेरे स्टॉक में कोई भी कार जो है नॉन एक्सीडेंट नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज ASR जम्मू ब्लॉक्स की टीम ने भी चेक करा है, उसके प्रोफेशनल इंजीनियर्स रखे गए हैं जो गाड़ी को पूरा टेस्ट करके ओके करके गाड़ी लेके आते हैं, बिल्कुल, उसके बाद ही कस्टमर को हम गाड़ी सेल आउट करते हैं, डेफिनेटली। ये बहुत ही बढ़िया एक अच्छी चीज है एश्योरेंस के लिए, जिन कस्टमर को थोड़ा एश्योर होना अच्छा लगता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट पे आप आ सकते हो, यहाँ की गाड़ियों को आप देख सकते हो। बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, और यहाँ पे आपको मिलेगी अगेन टोयोटा की इनोवा, और भैया इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है? भैया 2012 मॉडल कार है ये भी फुल टॉप वर्जन वी मॉडल है, हायर वारंट, ठीक है, ठीक है। गाड़ी चली हुई है ये भी 85,000 किलोमीटर, ओके, ठीक है। इसकी आस्किंग है 6,50,000 रुपये, 6,50,000 इसकी आस्किंग प्राइस है, बाकी इसमें नेगोशिएशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं अगली गाड़ी की तरफ, और ये रहने वाली है टाटा की सफारी स्टॉर्म, और भैया क्या इन्फॉर्मेशन है? भैया 2012 मॉडल गाड़ी है ये, ओके, बिल्कुल वेल मेंटेन स्पोर्टी लुक है, गाड़ी के स्पोर्ट्स टायर है, अलॉय व्हील्स हैं, बिल्कुल, ठीक है। गाड़ी की आस्किंग जो है 3,70,000 रुपये, 3,70,000 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस रहने वाली है, बाकी इसमें भी नेगोशिएशन देखने को मिलेगा। बात करें अलॉयज की तो यहाँ पे प्लाटी के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स इस सफारी में ऐड ऑन हुए दिखेंगे। और अब बात करते हैं अगली गाड़ी की तरफ, और अगली गाड़ी जो रहने वाली है वो है शेवरोले की क्रूज, और काफ़ी बढ़िया सेडान थी अपने टाइप की, इसको डीजल का रॉकेट कहा जाता था, और इसकी जानकारी भैया से लेते हैं, भैया क्या इन्फॉर्मेशन? ये 2017 मॉडल गाड़ी है ये, फुल टॉप वर्जन पुश बटन स्टार्ट, बिल्कुल सनरूफ है, ठीक है। ये गाड़ी आपकी आस्किंग ये रहेगी गाड़ी की 6,80,000 रुपये, 6,80,000। और कितनी रनिंग कितनी है? रनिंग इसकी है 57,000 किलोमीटर, और ये आप इस गाड़ी की रनिंग देख सकते हो, और प्राइस भी आपने देखा, बाकी इसमें भी नेगोशिएशन रहेगा। बाकी अगर बात करें अगर प्रीमियम सेडान्स में, तो यहाँ पे आपको जैगुआर की तरफ से गाड़ी देखने को मिल जाएगी। भैया कौन सा लाइन वेरिएंट ये जैगुआर का रहने वाला है? भैया जैगुआर 2013 मॉडल है, एक्सेप्ट मॉडल है, ओके, गाड़ी चली हुई है 67,000 किलोमीटर, ठीक है। फुल टॉप वर्जन गाड़ी है, बिल्कुल वेल मेंटेन कार है ये, बिल्कुल। और बात करें अगर प्राइस की, तो कितना प्राइस? भैया इसकी आस्किंग जो है वो है 17 लाख की, 17 लाख रुपए की इसकी आस्किंग है, और बाकी नेगोशिएशन इसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो जैगुआर। और अब बात करते हैं अगली गाड़ी की, जो कि हमारी लास्ट गाड़ी रहने वाली है होंडा की सिविक,
और इसी भी की जानकारी भैया से लेते हैं। भैया क्या इन्फॉर्मेशन है? भैया 2008 मॉडल गाड़ी है, टोटल गाड़ी 40,000 किलोमीटर चली हुई है और फुली ऑटोमेटिक सीबीटी मॉडल है ये। ऑलराइट, ठीक है। और गाड़ी सीबीटी में रहने वाला है? सीबीटी वाला। ओके, सो अगर बात करें अगर इसके प्राइस की तो कितना अपना स्कीम प्राइस? इसका प्राइस है सर 2,30,000 रुपये। 2,30,000 इसका प्राइस है, बाकी नेगोशिएशन तो इसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों ये आप देख सकते हो होंडा की सिविक, जो कि सीबीटी मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यहाँ देखने को आपको मिलेगी। दोस्तों ये जो आपने स्टॉक देखा ये था हाई कोर्ट कार्स का, और आई होप आपको ये पूरा जो स्टॉक है ये अच्छा लगा होगा और हमारे एफर्ट्स भी आपको अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा जो भी अलग इन्फॉर्मेशन है वो अभी भैया से लेते हैं। भैया सबसे पहले आप ये बताइए फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है? सर ऐसा है कि हमारे पास जितनी भी कार्स खड़ी हैं सारी हाई एंड मॉडल कार्स हैं। okay. और अपर मॉडल्स कार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो भी कस्टमर को फाइनेंस फैसिलिटी चाहिए वो फाइनेंस फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी बैंक्स की, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलेगी आपको यहाँ पे, ट्रांसफर की फैसिलिटी सारी मिलेगी यहाँ पे। आरसी ट्रांसफर आप कितने दिन है ना? हम आरसी ट्रांसफर 10 दिन में ट्रांसफर हो जाएगी गाड़ी, 10-15 दिन में मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको फैसिलिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और कोई फैसिलिटी की बात कर रहे थे जैसे कोटिंग को, यहाँ पे हमारे कुछ ही दिनों में हमारा स्टार्ट हो रहा, सेटअप हो रहा है कार कोटिंग्स का। कार कोटिंग्स आप बाहर कहीं भी गाड़ी की कार कोटिंग्स करवाते 15,000 से 20,000 रुपए रेट रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल। हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट्स में रहेगा 2,500 कार कोटिंग्स का। सो बढ़िया, ये भी एक स्पेशल ऑफर। और कोई ASR बाइक के हिसाब के माध्यम से अगर कोई यहाँ पे आता है उसको प्लस गाड़ी तो हम देंगे और प्लस कार कोटिंग फ्री देंगे। तो दोस्तों ये भी एक फैसिलिटी आप देख सकते हो अगर ASR जम्मू ब्लॉग्स के रेफरेंस से आप यहाँ पे आते हो। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मिस्टर दीपक जी को डायरेक्ट एक कॉल कर सकते हो, उनका नंबर जो है नीचे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इसके अलावा ASR जम्मू ब्लॉग्स पे भी आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा भी नंबर ऊपर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आपको। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे इसी तरह से किसी न्यू जगह पे किसी न्यू गाड़ियों के साथ और किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग।